मैंने नरेंद्र मोदी और पांच अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। ये मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है, इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं अधिवक्ता विनायक कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज प्रवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के खिलाफ 124 क आईपीसी की धारा 201 120 बी के तहत एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 37 38 39 का खुलेआम उल्लंघन इन लोगों के द्वारा की गई है, जबकि उस संविधान में कहा गया है कि मौलिक के अधिकार का किसी का अपहरण नहीं कर सकते हैं। लगातार निजीकरण इन लोगों द्वारा की जा रही है, जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण नहीं करना है। तो संविधान के उल्लंघन को लेकर के यह देशद्रोह का मुकदमा इन सभी के खिलाफ और 50 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 6/8 की तिथि सुनवाई हेतु निर्धारित की है। यह अपर मुख्य न्याय अधिकारी पश्चिमी प्रथम के न्यायालय में हुआ है और इसकी सुनवाई स्वीकार होने के बाद इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायाधिकारी फोर्थ बेस्ट के यहाँ होगा।